एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इन दिनों जो चिंता का विषय है वो विषय है डेंगू फीवर। ना केवल डेंगू फीवर बल्कि टाइफाइड मलेरिया के केसेस भी जो हैं वो भी प्रकाश में आ रहे हैं। लोग जो हैं काफ़ी परेशानी में हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है वो भी ठोस कदम उठा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर हरजीत राय जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से डेंगू फीवर की बात करें तो लगातार जो है पोस्ट मानसून में जो है हमें ये देखने को मिलता है, तो इस साल भी जो है ये काफ़ी ऊपर कर आ रहा है। कई लोगों को शिकायतें आ रही हैं कि फीवर है, और फीवर के बाद जो है सिम्टम्स की बात करें खासकर, वो भी उन्हें नज़र नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक तो आपसे आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू फीवर जो है बेसिकली एक सीजनल डिजीज़ है, और ये मानसून पीरियड, पोस्ट मानसून पीरियड में होता है, और ये हर साल इन्हीं दिनों में जो हमारे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ हैं, क्योंकि पोस्ट मानसून वाटर रेन्स होती हैं, वाटर लॉगिंग होती है, और उसमें जो एडिस मॉस्किटो है इसके टिपिकल हैबिटेट ऐसे हैं कि ये इन दिनों जब टेम्परेचर 20-29 डिग्री रहता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है, तो उस टाइम पर इसकी जो ब्रीडिंग जो है काफ़ी तेज़ी से होती है। तो इसलिए फीवर जो है इन दिनों, जो डेंगू फीवर के केसेस इन दिनों आते हैं, और हमारा जो डिपार्टमेंट की तरफ से रहता है कि हम लोग पहले ही तैयारी करके रखते हैं। हमारे ब्रीडिंग जो ब्रीडिंग साइट चेकर्स हैं, मलेरिया वर्कर्स हैं, म्यूनसिपलिटी से हम लोग निगरान साथ में लिए हुए हैं, तो ये लोग सारे के सारे काम करते हैं कि हम लोग जितने ज़्यादा ब्रीडिंग साइट्स को डिटेक्ट करें और उनको डिस्ट्रॉय करें। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या, आपको पता ही है कि अभी जैसे रेन्स होती हैं, इमीडिएटली रेन्स के बाद इतना ज़्यादा एरिया होता है कि उस एरिया को कवर करना मुश्किल होता है। बट फिर भी जो मेन इसमें हम लोग प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी रखते हैं, उसमें 3-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी रहती है हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से। सबसे पहले तो एक होता है हमारा कि ब्रीडिंग साइट्स को ही नष्ट कर दें ताकि मलेरिया जो एडल्ट जो है मॉस्किटो वो बढ़े ही ना। दूसरा है केस कंट्रोल मैनेजमेंट, जिसमें हमारे जो फीवर केसेस आ रहे हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से इमीडिएटली टेस्टिंग करें। और आपकी जानकारी के लिए ये बताऊँगा कि अभी तक हमने अपने जम्मू डिवीज़न में ऑलमोस्ट 27,000 टेस्ट कर दिए हैं जिसमें सस्पेक्ट केसेस थे, और उनमें से सिर्फ 3,000 के करीब जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 32,000 टेस्ट किए थे टोटल पूरे साल में, और केसेस हमारे आए थे तब 8,252। तो उस हिसाब से हमारे इस बार के केसेस में कंट्रोल है। दूसरा हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँगा जो तैयारी थी केस मैनेजमेंट की, हमारे हॉस्पिटल्स जो वहाँ पे हमने पहले ही आइडेंटिफाई करके रखी हैं, डेंगू वार्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, डेंगू टेस्टिंग के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका टेस्ट कहाँ होगा। तो हमारे जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है हमारा डेंगू, तो वहाँ पे हमने 4 गवर्नमेंट के सेंटर्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजीव गांधी है। तो ये 4 तो सेंटर्स यहाँ पे, बाकी हमारे जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बाकी के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एक लैब है जो डेंगू टेस्टिंग कर रही थी, जो कि पिछले साल जैसे लास्ट ईयर हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर लैब होती नहीं थे, तो हमने इस साल वहाँ पर भी जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी डायरेक्शन के मुताबिक फिर हमने वहाँ पर वो इस्टेब्लिश किए, और 2 डिस्ट्रिक्ट जो रियासी और रामबन है वहाँ पे भी हमारी टेस्टिंग चल रही। तो इसलिए हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी वो बढ़ गई है, और जो कंट्रोल हमारा है इसके ऊपर हमारा इफेक्टिव चल रहा है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एडमिशन्स जो है हमारी हॉस्पिटल में, अभी तक टोटल एडमिशन्स इस साल की जनवरी से लेकर आज तक 1047 एडमिशन्स हुई हैं, और उसमें से आज की डेट में सिर्फ हमारे पास 89 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, बाकी सब बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर वापस गए हैं। टोटल जो अभी तक केस फेटलिटी हुई है वो 3 डेथ्स हुई हैं, वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इसमें हमारा डेंगू में होता है कि फीवर केसेस तो आए हैं लेकिन उनकी केस मैनेजमेंट अच्छी तरह होनी चाहिए, और केस फेटलिटी रेट हमारा लेस रहना चाहिए। तो दूसरा जो है इसमें एक तो डिपार्टमेंट का काम आता है, दूसरा म्यूनसिपलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दूसरा म्यूनसिपलिटी हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। उसके लिए हमारा जो एडल्ट मॉस्किटो कंट्रोल है उसमें फॉगिंग हमारा जो है वो जो शेड्यूल है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से चलता है, लेकिन मैन पावर और जो हमारी सपोर्ट होती है इंसेक्टिसाइड्स की वो रहती है, वो काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 राउंड फॉगिंग के भी हमने पूरी जो 75 वार्ड है वहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और दूसरा हमारा SOS भी रहता है कि जहाँ पे केस पॉजिटिव आ रहे हैं, जिस एरिया में केस पॉजिटिव आ रहे हैं वहाँ पे हम लोग फॉगिंग के लिए करते हैं। और दूसरा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँगी, जम्मू सिटी में जो हमने हॉटस्पॉट्स अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं वो 4 हॉटस्पॉट्स हैं मेनली जहाँ पे ज़्यादा केसेस इस बार आए हैं, वो एक तालाब तिल्लो है, दूसरा नानक नगर, गांधी नगर और छन्नी हिम्मत। तो यहाँ पे हमारी जो है रेगुलर फॉगिंग भी चल रही है और हमारा स्प्रेइंग भी चल रही है,
और जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। जनता कैसे पहुंचे हमारे पास, इसके लिए हमने एक नंबर जो है टोल फ्री नंबर रखा हुआ है 104 हेल्थ हेल्पलाइन, जो मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock तक काम करती है। इस पे जनता हमारे तक पहुंच सकती है कि अगर किसी के घर में फॉगिंग हुई है या स्प्रे नहीं हुई या डेंगू पॉजिटिव केसेस है उसको कोई इशू है तो वो वहाँ पे कॉल कर सकता है। इसके अलावा हम लोग प्रोएक्टिवली भी वहाँ से कॉलिंग करवा रहे हैं 104 से। हम लोग जितने पॉजिटिव केसेस की डेली लिस्ट आती है वो हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं और उसमें से फिर वो लोग उनको कॉलिंग करते हैं। तो मैंने देखा कि हमारी जो उसमें कॉलिंग होती है उसमें ऑलमोस्ट कोई 60% लोग रिप्लाई करते हैं, मैक्सिमम लोग अननोन नंबर करके काफ़ी लोग छोड़ देते हैं। और वैसे भी जब बीमार होता बंदा तो वो कम फ़ोन उठाना शुरू होता है, तो उसमें हमारा 60-70% कवरेज है। तो हमारा यही रहेगा कि अगर आपको या एरिया में आपके वहाँ पे लग रहा है आपकी मॉस्किटो डेंसिटी ज़्यादा है, फीवर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप 104 पे हमें वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। वहाँ से हमारा जो है रहता है हमारा कम्युनिकेशन रहता है और उसके बाद हम इमीडिएटली एड्रेस कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डेंगू के केसेस आ रहे हैं, मलेरिया और टाइफाइड की शिकायत भी आ रही है, तो ऐसे में जो है इस साल जो है ये देखने को मिल रहा है जो बुखार है वो काफ़ी लंबा चल रहा है और लोगों को जो है पहले मालूम ही नहीं होता है कि उनको टाइफाइड हो गया है या मलेरिया हो गया है और वो घर पर ही ट्रीटमेंट भी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, वायरल जो है ना, वायरस अपने आप में चेंज करता रहता है, ये म्यूटेशंस चलती रहती हैं। इसलिए इस बार ये देखने को ट्रेंड आ रहा है, फिजिशियंस भी हमारे ये बता रहे हैं कि इस बार का जो फीवर है वो बड़ा एटिपिकल सा फीवर है। अदरवाइज जैसे डेंगू फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, उनमें बड़े कम लोग हैं। और दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है माइग्रेशन काफ़ी है, आउटसाइड पीपल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमारी लेबर है बिहार से, यूपी से काफ़ी लोग हैं। तो उसके कारण जो है अभी हमारे इस बार जो चिकनगुनिया के केसेस भी हमने डिटेक्ट किए हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग में हम लोग जब ब्लड लेते हैं डेंगू की नहीं, साथ में चिकनगुनिया सीरोलॉजी भी करवा रहे हैं। तो इसमें इस बार अनलाइकली पैटर्न हुआ कि हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 80 केसेस अभी तक चिकनगुनिया के भी आए हैं। और चिकनगुनिया ही ऐसे ही जो आप बोल रहे हैं दर्दें ज़्यादा होती हैं, जो है बॉडी एक ज़्यादा करता है और प्रोलॉन्ग चलता है, वो केसेस चिकनगुनिया के ही हैं, उसमें हमने कन्फर्म किया। और उसके लिए भी मैं यही बताना चाहूँगा आपके माध्यम से पब्लिक को कि चिकनगुनिया भी जो वैक्टर है वो एडीज एजिप्टाई फीमेल मॉस्किटो ही है, सेम वैक्टर है। अगर हम लोग अपने घर में साफ़ सफाई रखेंगे, खास करके जो पानी की एकुमुलेशन नहीं होने देंगे, दूसरा अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन करेंगे, जब आपको पता है कि आपके एरिया में मॉस्किटोज ज़्यादा, तो आप फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए और सोते समय मच्छरदानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से आम जनता जो है घरेलू इलाज भी कर रही है और इसकी ट्रीटमेंट की पर्टिकुलर बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर दी जा रही है, आम जनता को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? हमारी तरफ से जो मैसेजेस जा रहे हैं, हमने यही कहा है कि अगर आपका बुखार 2 दिन से ज़्यादा बुखार हो रहा है तो आप तुरंत अपनी टेस्टिंग करवाइए और घर पे इलाज मत शुरू कीजिए, जो नियरेस्ट हमारा हेल्थ सेंटर है वहाँ पे कीजिए। और दूसरा, इसमें एक और पैनिक फैलाने वाली बात नहीं कि अगर डेंगू पॉजिटिव आ गया तो आपको हॉस्पिटल ही भागना, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ डेंजर साइंस हैं, वो मैं आपके माध्यम से शेयर करूँगा जनरल पब्लिक के लिए, कि अगर आपका बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा है और डेंगू पॉजिटिव है तो आपको पहले तो कंप्लीट बेड रेस्ट लेनी है, एक्टिविटी फिजिकल कोई नहीं करनी है, लिक्विड्स लें अच्छी तरह से, अपने आप को हाइड्रेट करके रखें और अपने जो वाइटल्स है वो चेक करवाते रहें और प्लेटलेट के ऊपर नज़र रखें। इन केस अगर आपको लगता है कि आप फीवर जो है अनकंट्रोल हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, पेट में दर्द हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, आप खाना पीना ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, तुरंत आप इमीडिएटली जो हमारा नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे किसी भी जगह पे हैं, हमारे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमने हर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की व्यवस्था रखी है, वहाँ पे रिपोर्ट करें। और इस बार मैंने ये देखा कि पैटर्न, हम मेडिकल कॉलेज में भी जैसे लास्ट ईयर एडमिशन्स का रेट इतना ज़्यादा नहीं था, इस बार मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा एडमिशन्स हो गई हैं। तो लोग आए, इमीडिएटली आ गए जब भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हुई, और जब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो आपको वहाँ पे अच्छी तरह केयर मिलेगी और आपका इलाज अच्छा होगा और आपका आउटकम अच्छा होगा, रादर देन कि अगर आप टोटको में पड़ जाएं, किसी और दूसरे चक्कर में पड़ जाएं, क्वैकरी में पड़ जाएं, तो अगर आप क्वैकरी के चलेंगे तो उसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस रहते हैं। और दूसरा एक और बताऊँगा कि इसमें ऐसा होता है कि कुछ स्टेज के बाद ये इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है वायरस, जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया। तो अगर वो चीज़ आपने घर में ही पहुंचा दी है कि डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर आपके घर में ही पेशेंट के हो गया, तो फिर वहाँ से रिवर्स करना जो है डॉक्टर्स के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए इसका अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट
जो है वही मंत्र है। डॉक्टर साहब, लोगों में कई मिथ भी हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि बकरी का दूध देना है, अगर बकरी का दूध भी देना है, कच्चा देना है, वो उसको बॉयल नहीं करते हैं, तो इस तरह से कई तरह के मिथ भी है और लोग जो हैं इस फार्मूले को, इन चीज़ों को एडॉप्ट भी करते हैं, ये कितना सेफ है और कितना ख़तरनाक है? मैं इसमें आपको एक ही बात कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मिथ जो आप ठीक है, अगर आप बकरी का दूध सोचते हैं कि उससे प्लेटलेट बढ़ते हैं, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है, अगर पीजिए, लेकिन आप जो है जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे क्वैकरी पे चले जाते हैं, तो फिर डेंजरस रहता ही रहता है और उसकी आउटकम में भी खतरा रहता है। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लोगों को इस वक्त जो सिचुएशन है जम्मू की, पैनिक करने की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास, मैंने पहले ही बताया कि कोई इतना अलार्मिंग कोई सिचुएशन नहीं है हमारी, केसेस ये एक्सपेक्टेड होता है कि इस सीज़न में इतने केसेस आने ही आने हैं। दूसरा यही है कि केस मैनेजमेंट हमारी अच्छी होनी चाहिए और आउटकम अच्छी होनी चाहिए, और जनता से यही अपील है कि आप अपने घरों में पानी की कलेक्शन ज़रूर देखें। मैं आपको यही बताऊंगा कि कुछ एरियाज़ यहाँ पे ऐसे देखे गए हैं, साफ़ सफाई बाहर से बड़ी अच्छी थी, लेकिन छत के ऊपर कोई छोटा सा अनअटेंडेड कोई पॉट रह गया है, कोई बॉटल रह गई है, या कुछ प्लास्टिक का जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी रहता है, तो उसमें जो मॉस्किटो है ये वहाँ पे भी ब्रीड करता है। तो घर में एक एटलीस्ट इंश्योर करेंगे आप पानी की कलेक्शन जो है वहाँ नहीं रहने दें, क्योंकि इसका मॉस्किटो का यही होता है कि जहाँ भी 7 दिन पानी इकट्ठा रहेगा वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। हम भी आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया कि साफ सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, ना केवल आपके घर की बल्कि हमारा जो आस पड़ोस है, हमारा मोहल्ला है, हमारा प्रदेश है, इसकी भी साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और ख़ासकर वाटर कलेक्शन की बात करें, जो पानी के पॉट्स हैं जिनमें हम पक्षियों को पानी पिलाते हैं, या फिर हम कहें कि एनिमल्स के लिए हमने पॉट रखे होते हैं, उन्हें भी आप रेगुलर वॉश कीजिए और पानी ज़रूर पिलाएं, लेकिन उन्हें रेगुलर वॉश करते रहें ताकि मॉस्किटो जो है वो जन्म ना ले सके। अगर मॉस्किटो जन्म नहीं लेगा तो ऐसी बीमारियां जो हैं वो उस पर हम काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलेशन न्यूज़।